तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जो इसके इस वीडियो में जो क्लास है 11 का मैथ्स का जो कि चैप्टर नंबर पहले का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो क्लास हमने इसके पिछले वीडियो में जो प्रश्न संख्या 4 और 5 को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, ताकि फिर देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन क्या करना है। देखिए आपको 6वें क्वेश्चन में इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है आपको, सही मिलान करना है कि पहला का मिलान किससे होगा, दूसरा का मिलान किससे होगा। ओके, फिर देखिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया 1 2 3 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1 2 3 6 दिया, इसमें 2 3, इसमें मैथमेटिक्स, इसमें 1 3 5 9 लिखा है। ठीक है, और इधर दिया ये क्या हमारा समुच्चय का जानते हैं का, ये समुच्चय का रोस्टर रूप है और ये समुच्चय का निर्माण रूप है। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए इसमें आपका पहला क्या दिया, जब इसको मिलाएंगे तो थोड़ा पहले इसको देखेंगे, इसको देख कर इसके हिसाब से इसको मिलाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दिया आपका एक से एक अभाज्य संख्या जो कि क्या है, 6 की भाजक है। बोला x क्या है, अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो देखा जाए इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है और 6 क्यों भाजक भी है। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले में। तो पहले में एक का होता है, जानते हैं एक ना तो हमारा भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इसलिए हमारा पहले का ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा आपको दिया 2 और 3, 2 भी हमारा होता है अभाज्य संख्या और 3 भी हमारा होता है अभाज्य संख्या, और 2 और 3 से क्या होगा, 6 कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का इस दूसरे का मिलेगा जाकर इस पहले से। ओके, अब देखिए, अब देखते हैं इसमें दूसरा क्या दिया। दिया x एक 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी x क्या है इसमें दिया है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, वो भी 10 से कम। इसमें 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन सा आपका, देखिए फिर देखते हैं पहले वाला, इसमें 1 विषम होगा लेकिन दूसरा क्या है सम है, इसलिए हमारा ये भी रॉन्ग हुआ। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलेंगे तो नंबर ये वाला मिलेगा, ये तो सब नंबर नहीं है, तो इसको चेक करेंगे। अब 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 9 भी विषम है, और ये सभी क्या है, 10 से कम है। तो इसका क्या हो जाएगा मिलान, ये दूसरा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फिर उन्होंने दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या है 6 की भाजक है, यानी इसमें क्या बोला, इस बार केवल बोला x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। तो आपको साफ दिख रहा है पहले वाला होगा, 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी है, 3 भी, 6 भी, और 1 से भी 6 कटता है, 2 से भी 6 कटता है, 3 से भी 6 कटेगा, 6 से भी 6 कटेगा कटेगा। तो इसका मान हो जाएगा क्या चाहिए, ये तीसरा मिला। ओके, अब जो बचा एक लास्ट वाला इसका हो गया, तो साफ दिख रहा है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स ये तो आराम से मिला लेंगे हम लोग। ओके, इसी के साथ जो कि आपका प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होता है, खलास होता है। ओके, और ना इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक मिलते हैं फिर इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए